वो पत्नी है, वो माँ बैठी है, पिताजी से बात हुई थी हमारी बाइन, परिवार के अंदर दुख का माहौल रही है, सिर्फ 10 से 11 दिन का बच्चा जो न्याय की गुहार लगा रहा है, ये पत्नी न्याय की गुहार लगा रही है, ये लड़के की माता न्याय की गुहार लगा रही है। आप दोस्तों रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पत्नी रो रो के गुहार लगा रही है। और जैसा कि बताया कि जो पत्नी है जिसकी हत्या, उसकी पत्नी पहले मम्मी पापा पे नहीं है, पहले भी कहीं ना कहीं पीड़ाओं का सामना किया, दुखों का सामना किया, यहाँ से पति का साया वो उठ गया है, सिर्फ 10 से 11 दिन का जो बच्चा है, ये परिवार का जो गुजारा करने वाला था, रिक्शा चलाता था ये रिक्शा, उससे परिवार का गुजारा होता था, लेकिन ये पत्नी सिर्फ आज न्याय की गुहार लगा रही है कि इसको न्याय मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन है वो कार्रवाई कर, आप कितने कुछ तो कर रही थी अभी कोई का कोई पकड़ झकड़ उनकी, आपके पास कोई सूचना? देखो भाई इनको पता नहीं हुआ क्योंकि अभी तो जच्चा है तो कोई इनकी बाहर भी नहीं रखी थी, सिर्फ 10 से 11 दिन हुए, सिर्फ रोई रोई रही है। पहले भी हमने इनकी जैसे सासू जी ने बताया कि पहले भी दुखी थी और आज भी दुखी है। हम सभी दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं, समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत भला करते हैं, हम उन व्यक्तियों से रिक्वेस्ट करते हैं, उन संस्थाओं से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस मामले को देखें और इस परिवार की सहायता भी करें भाई, और इस परिवार को न्याय भी मिले, क्योंकि वो रो रहा है, बच्चा भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, उसकी पत्नी भी रो रही है। हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, सभी दोस्तों रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर देना।